देर में एनर्जी नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी उठे हैं। सबसे पहले ये बता रहा हूँ, मैं व्लॉग बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग। बट इस नए चैनल पे आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, फैमिली से मिलोगे, फ्रेंड्स से मिलोगे, घर वालों से मिलोगे, फैमिली और ढेर सारी बकचोद। या दैट टू, बट स्पेशली आज का व्लॉग इसलिए बन रहा है बिकॉज एक साल हो गया लेकिन अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में मिलते हुए लोगों ने एक सवाल पूछना बंद नहीं किया, व्हाई डिड यू लीव ओके टेस्टेड। सो जवाब दे देना चाहिए, बता देना। मुझे तो आपने एक दिन दारू पीते हुए पूरा बताया। फिलहाल तू ये बता, हम अभी कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टू शूट फूड अबाउट फेमस स्ट्रीट फूड। जब इंग्लिश में सेंटेंस ना बन रहा हो तो हिंदी में बता देना चाहिए। हम जा रहे हैं जयपुर के स्ट्रीट फूड को ट्राई करने। बस तो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद आपके साथ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। व्हाई डिड यू लीव ओके टेस्टेड गिरीशा? ये सवाल का आंसर तो मुझे भी काफी लोगों को देना है। आप दे दो पहले, फिर शायद मैं भी दे दूं। ठीक है। व्हाई डिड यू लीव स्कूप उपनीरज? It's not you, it's me. वाह, ये खेल गया। मैंने बहुत सुना है जिंदगी में और ये स्टेज पे स्टैंड से। Clearly, this hasn't been an easy thing for me to talk about. But आज एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ मैं to talk about why did I leave Okay Tested on this brand new channel. This is the channel जहाँ पे मैं चाहता हूँ आपको अपना होम टूर दूँ, अपनी फैमिली से मिलाऊं, वाइफ से मिलाऊं और मेंबर्स ऑफ फैमिली से मिलाऊं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा, बट उससे पहले इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मसाला इन दिस वीडियो तो मे बी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज वेन यू रियली लव समवन यू डू नॉट टॉक शिट अबाउट देम इवन आफ्टर ब्रेकअप। बट Just because you don't say things about someone does not mean कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। On that note, करें शुरुआत। देखो, I joined Scoop in 2015। उससे पहले मैं दिल्ली के एक रेडियो स्टेशन में शाम 5-9 का शो करता था आरजे खुरकी के नाम से। That is why Insta handle is आरजे खुरकी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आरजे खुरकी का मीनिंग क्या होता है। That is the name जिसको यूज करके मैं रेडियो पे शो करता था। And when I joined Scoop gave us such a brilliant platform जहां पे हमने क्या अमेजिंग कॉन्टेंट बनाया। हमने 2015 से 2017 के बीच पे इतने सारे फिक्शन वीडियोस बनाया ना, हमने रैंट्स बनाई। यार इस आइडिया में वो बात नहीं है, थोड़ा सा ट्वीक कर दो। ठीक है, बात तो तेरे प्रोडक्ट में भी नहीं है, मैंने आज तक कहा कुछ। हमने पोएट्री बनाई। आई होप यू हैव हर्ड दिस वन। मैं खामखा ही बड़ा हुआ यार, बचपन ही अच्छा था। एंड इफ यू आर थिंकिंग ये कौन है, वो मैं ही हूं। उस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। December 2017 is the time when we started OK Tested and that changed everything. The kind of love जो आप लोगों ने हमें दिया, and I feel ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, सबकी तरफ से कह सकता हूँ that we are really grateful for all the love that you have given us. Thank you so 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 much for that. But जैसे जैसे organization successful होती हैं, चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद organizations को वो ही लोग छोटे लगने लगते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां तैयार की थी। एंड मेरी तो हाइट ऑलरेडी कम है तो मैं तो शायद नजर आना ही बंद हो गई। हंस दे, चेहरे का मतलब ही नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर द बैड जोक बट आई विल कीप क्रैकिंग दीज जोक्स बिकॉज अदरवाइज आई विल गेट इन टू द सेंटी जोन और मैं उस जोन में नहीं जाना चाहता। ऑल्सो आई विल नॉट गेट इन टू द स्पेसिफिक्स। बट एक चीज जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जैसे ही मैंने ओके टेस्टेड को छोड़ा, आई वॉज हर्ट बट आई वॉज स्टिल ग्रेटफुल। लेकिन कंपनी छोड़ते ही सबसे पहली चीज जो मेरे साथ की गई, मुझे इंस्टाग्राम से ओके टेस्टेड ने अनफॉलो कर दिया। तब तक तो मेरे दिमाग में द अर्बन गाइड जैसा कोई चैनल बनाने का ख्याल भी नहीं था कि मैं यही सोच लेता कि शायद अब मैं कॉम्पिटिशन चैनल हो गया हूँ इसीलिए मुझे अनफॉलो किया गया है। तो I felt bad. It might seem like a chotu thing, but it felt like जिस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए आपने स्वेट, ब्लड और टीयर्स लगा दिए, उस कंपनी ने चंद मिनटों में आपको आपकी औकात दिखा दी। It felt like ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचने की जगह कि एम्प्लॉयज से ही उसकी तरक्की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फील कराया दैट हमारे बिना तुम कुछ नहीं। And the sad part is, this was not the first time when I was made to feel like this.
I in fact went to BuzzFeed India का handle also just to see कि क्या वाकई industry में लोग अपने anchors के साथ ऐसा ही behavior रखते हैं नहीं. BuzzFeed India still follows Shyam and Srishti. Good job BuzzFeed, and I'm glad that I called them out on Instagram क्योंकि मेरे बाद जितने भी लोगों ने OK Tested को छोड़ा at least OK Tested ने उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया. That is when I thought कि जो काम करने में मुझे इतना मजा आता है ना मैं वो काम करना बंद तो नहीं करूँगा. At that point in time, I had started freelancing with Urban Company. मैं उनके app videos में उनकी help कर रहा था. And I asked them कि अगर मैं अपना कोई channel खोलूँ तो तुम्हें problem तो नहीं है? And they were like, नहीं. If we would find it interesting, in fact, we would love to support you in your journey. And they did. And I'm really thankful and grateful for that. अच्छी चीजें हुई हैं मेरी life में. Like आपकी family का एक हिस्सा बनना. Thank you so much. झप्पी. फिर से सेंटी जोन में जा रहा हूँ. बाहर आना इस जोन से. In fact, this week I have another meeting with the Urban Company because उनकी influencer content team के अंदर there's an opportunity जिसके अंदर they feel I can be a really good fit. Really hoping this works out. आप भी comments में all the best मुझे बोल देना. But with my experience with OK Tested, I learnt a few things. Always respect yourself. क्योंकि एसी कमरों में बैठे बहुत से लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं. सुनी होगी ना आपने ये लाइन. ये रियलिटी है. इसीलिए आप अपनी नजरों में खुद की इज्जत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. आई लर्नड कि मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे वीडियोस बनाती हैं आर्टिकल्स लिखती हैं लेकिन उन्हें अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता. बट यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ. I learned कि बहुत सारे लोग who are smiling in the front of the camera are not actually happy and I did not want to be that person. I wanted कि अगर मैं उदास हूं तो मैं आपको कह सकूं कि मैं उदास हूं. अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं आपको बता सकूं कि मेरी फटी पड़ी है. I wanted to share my experiences with you in the most true, real and authentic form. ज्यादा तो नहीं बोल दिया. बहुत सारे लोग पता है मुझसे पूछते हैं डू यू स्टिल लव ओके टेस्टेड. यस आई डू. यार हम लोग जब पीरियड पेन वाले वीडियो की शूटिंग के लिए सूरत गए थे ना वी मेट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एंड समवन आस्क्ड मी देयर आल्सो ओके टेस्टेड या टीयूजी एंड आई वाज लाइक मैं चूज नहीं कर सकता यार. मेरी शादी के बाद वाला जो पहला वैलेंटाइन डे था ना उस पे भी रात को 1:30 बजे तक आई वॉज विद सत्यम कनिष्क अक्षय क्योंकि हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे. तो जिस जगह की ग्रोथ के लिए आप दिल से इतनी मेहनत करते हो दैट प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट. लेकिन यस टीयूजी इज फ्यूचर और क्योंकि पास्ट की नींव इतनी मजबूत रही है आई एम वेरी श्योर कि साथ मिलके हम फ्यूचर को और भी बेहतर बना देंगे. आपको साथ रहना बस. ठीक है. आई एम ग्लैड थोड़ा ही सही हम इस बारे में बात कर पाए ताकि आपको और मुझे दोनों को थोड़ा क्लोजर मिला. ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कर पाऊंगा ये मैंने आपको पहले भी कहा था बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे कितना टाइम लगेगा खुल के इस बारे में बात करने में. ठीक है. बट मे बी वन डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ. बड़ी मिन्नतें लगी हैं उन्हें मनाने के लिए. ठीक है. एक बारी वो अगर स्क्रीन पर आ गए तो उसके बाद फिर रज के ब्लॉग्स भी बनाएंगे. ठीक है. इसी चैनल के ऊपर डालेंगे. आपको अपना घर दिखाता हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बात करेंगे. सब कुछ यहाँ पे होगा. ठीक है. लेकिन सबसे पहले कॉमेंट्स के अंदर डोंट फॉरगेट टू लीव अ झप्पी बिकॉज यहाँ पे मिलके हम बनाएंगे झप्पी गैंग. क्या कहते हो. बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको शायद इस सवाल का जवाब चाहिए होगा या वो मेरी फैमिली से मिलना चाहते होंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस ब्रांड न्यू चैनल. और अभी तक अगर आपने द अर्बन गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट. आई रियली होप दैट यू लव इट. और बाकी इन सबको भी तगड़ी वाली जप्पी यार. इनकी वजह से आई कुड डू दिस न्यू थिंग इन लाइफ अदरवाइज नहीं कर पाता. एंड आपको तो जप्पी आई. अब आई एम जस्ट रैम्बलिंग. अब जाओ यार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ठीक है. ओके बाय.